हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इनकम जंक्शन को गूगल प्ले स्टोर के द्वारा जो है अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन का आपको फ्री पीरियड मिलता है। 15 दिन तक आप इनकम जंक्शन से जो है अर्निंग तक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, लेकिन 15 दिन के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपको उसका सर्विस अच्छा लगता है तो आप अपग्रेड करते हो। अपग्रेड करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है, लेकिन उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है गूगल प्ले स्टोर। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि गूगल प्ले स्टोर के कैसे जो है अपग्रेड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर, या फिर उसको गूगल वॉलेट भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल वॉलेट के द्वारा आप कैसे इनकम जंक्शन को अपग्रेड कर सकते हो, चैम कैश के इनकम जंक्शन को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट है, उसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कैसे अपग्रेड करना है इनकम जंक्शन को, ठीक है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले चैम कैश को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ इनकम जंक्शन लिखा हुआ है, इनकम जंक्शन को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू विथ ट्रायल पर्सन या फिर अपग्रेड टू प्रो नाउ, ये दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। हम ऊपर वाले को क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विथ ट्रायल पर्सन, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 15 डेज यहाँ पर लेफ्ट दिया हुआ है। अगर आपको अपग्रेड करना है, सेल्फ अपग्रेड करना है, खुद से अपग्रेड करना है अपना आईडी, ठीक है, इनकम जंक्शन का, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपग्रेड नाउ का जो बटन है इसको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद अपना जो पासवर्ड है आपको यहाँ डालना है और सबमिट को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है अपग्रेड करने के लिए, उसमें आपका ये दूसरा ऑप्शन जो है गूगल प्ले स्टोर वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको गूगल वॉलेट ऑप्शन भी कह सकते हो आप। तो गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन को क्लिक करके सेलेक्ट करना है और नीचे में टर्म एंड कंडीशन को भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है नीचे एक बटन होगा प्रोसीड टू पे, ठीक है, इस प्रोसीड टू पे बटन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल देख लीजिए, कैसे आपका जो है इसमें जो है आपको पेमेंट करना है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा चार्जेज लिखा हुआ है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको कंफर्म करना है सारा जो आपको पेमेंट आप जो कर रहे हो उसका पूरा डिटेल्स है, उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका पूरा डिटेल्स है, कौन सा आईडी आप एक्टिवेट कर रहे हो, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिया है। ये सेल्फ एक्टिवेट है, मतलब आप अपना खुद का आईडी कर रहे हो, मतलब खुद का इनकम जंक्शन जो है आप उसको अपग्रेड कर रहे हो खुद का। तो दोनों में जो है आपका जो है रेफरल आईडी जो है बिल्कुल सेम दिखा रहा है, ठीक है। नीचे में एग्री टू पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, वहां पर नीचे में लिखा हुआ बाई बटन, बाई बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जो है ईमेल आईडी आपका डाला हुआ है, आपको उसका पासवर्ड देना है। मान लीजिए जो भी जीमेल आईडी आपका यहाँ पर है उसका पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म को क्लिक करना है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कन्फर्म को क्लिक करना है। यहाँ पर आपका रुपया में जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका रुपया में वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, उसको देख लो, कन्फर्म कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कन्फर्म क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपने गूगल वॉलेट में अपने गूगल वॉलेट में क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पहले से ऐड करके रखा हुआ है तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ कन्फर्म को क्लिक करने के बाद। अगर आपने ऐड किया हुआ है तो आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालना होगा। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपका पेमेंट डिडक्ट होगा, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड से, और फिर जो है आपका जो है इनकम जंक्शन जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, आपका पेमेंट वहां पर पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है, ठीक है, कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास पहुंच जाएगा। तो हम लोग यहीं पर इसको छोड़ते हैं क्योंकि मुझे तो अपग्रेड अभी नहीं करना है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था, इसलिए मैं आपको यहीं पर छोड़ देता हूं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे इनकम जंक्शन को आप अपग्रेड कर सकते हो, खुद से अपग्रेड कर सकते हो अपने आईडी, अपने चैम कैश जो लॉगिन करके, अपने चैम कैश वाले जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से खुद से इसको कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। और कैसे अपग्रेड करना है,
गूगल प्ले स्टोर वाले ऑप्शन से आपको कैसे अपग्रेड करना है वो मैंने सिखा दिया। गूगल प्ले स्टोर कहो या फिर उसको गूगल वॉलेट ऑप्शन कह सकते हैं, क्योंकि पैसा जो डिडक्ट होता है वो आपके गूगल वॉलेट यानी कि उसमें जो क्रेडिट कार्ड डाला होता है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाला हुआ होता है, उससे डिडक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके डेली बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे वीडियो को इतना लाइक करते हो, पसंद करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे जो भी नए ट्यूटोरियल आएंगे, नए वीडियो आएंगे, आपके ईमेल आईडी पर उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को इसी तरह वॉच करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।